और चलिए इसी बीच आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार और एक लोकप्रिय संपादक श्री हेमंत शर्मा जी, लोकप्रिय कवि श्री कुमार विश्वास जी, संपादक साहित्य गंधा श्री सर्वेश आस्थाना जी, युवा नेता श्री नीरज सिंह जी और इस पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाते हैं, प्रदेश सरकार के विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित महानुभाव और लखनऊ के सभी अटल जी से जुड़े हुए भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अटल जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी पावन जयंती के इस आयोजन के अवसर पर मैं पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल जी का नाम भारत के सार्वजनिक जीवन में दलीय सीमाओं से ऊपर होकर के हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ लेता है और यह न केवल सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तो एक कार्यकर्ता के लिए इतना भी अनुकरणीय होना चाहिए कि 6 दशक का एक लंबा सार्वजनिक जीवन बिना किसी कलंक के, एक निष्कलंक जीवन जिस व्यक्तित्व ने जिया था वह नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। भाइयों बहनों, राजनीति के बारे में और सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के बारे में अटल जी ने कुछ बातें कही थी। उन्होंने कुछ बातें बहुत स्पष्टता के साथ कही थी और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। सार्वजनिक जीवन कुछ मूल्यों, कुछ आदर्शों को लेकर के होना चाहिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें दी। अब देखिए, एक एक उनकी पंक्ति और साहित्य के प्रति उनका जो भाव था, किस रूप में हर एक नागरिक को झकझोरता था, उनके एक पंक्ति बहुत कुछ कह जाती थी, सब कुछ कह जाती थी और इसीलिए अटल जी हुए और अटल जैसा कोई नहीं। यह हमेशा व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है और सरदेव अटल जी का नाम जब आता है, हर व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति, वो बीजेपी का समर्थक हो, बीजेपी का विरोधी हो, वह सत्ताधारी हो, विपक्ष का हो, वह किसी भी उम्र का हो, अटल जी इन सभी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए सदैव लोगों की श्रद्धा और सम्मान के विषय बने रहे और यही कारण है उन्होंने सदैव उन मूल्यों को सार्वजनिक जीवन में ध्यान रखा। अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया, लेकिन जब मानवीय संवेदना की बात आती थी तो ये अटल जी ही बोल सकते थे कि आदमी न ऊंचा होता है
न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। ये केवल अटल जी ही बोल सकते थे। हर व्यक्ति जानता है राजनीति में कार्य करने वाले कार्यकर्ता, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले लोगों की बड़ी अभिलाषाएं होती है। और चार साल तक हर व्यक्ति शांत रहता है, लेकिन पांचवें साल वो सब उबाल खाने लगता है। और तब अटल जी ने इस बात को कहा था, एक बात उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं से कहा था उन्होंने कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। भाइयों बहनों, बहुत कुछ संदेश दे देता है। और याद करिए, प्रधानमंत्री पद की शपथ जब पहली बार उन्होंने ली थी, क्या कहा था उन्होंने, कितना कुछ कहा था, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना। अटल जी ही कह सकते थे। इस देश की उस राजनीति को, जो राजनीति इस भारत की मूल परंपरा को सदैव कोसती थी, सदैव धिक्कारती थी, जिसके कारण स्वतंत्र भारत अपने मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए कभी ईमानदारी से पहल नहीं कर पा रहा था, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर के, भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य जब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, काशी में भगवान विश्वनाथ का परम धाम पूरी भव्यता के साथ देश और तो अटल राम संकल्प कार्यक्रम जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और संबोधित उनकी तरफ से किया जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.